Welcome to Telly Express, your one-stop destination for all reality shows news. दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 की कंटेस्टेंट देबोश्मिता को क्यों बुलाया आशा भोसले ने अपने घर? क्या थी इसकी पीछे की वजह? चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली एक्सप्रेस की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 के मंच पर देबोश्मिता हर किसी के दिल को छू रही है। क्या कार्तिक आर्यन, क्या मुमताज, हर कोई देबोश्मिता की गायकी का दीवाना हो रहा है। और अब ऐसे में एक और है जो हो गई है देबोश्मिता की दीवानी। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वो है आशा भोसले। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने देबोश्मिता को अपने घर का इनविटेशन दिया और इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि देबोश्मिता की आवाज है। जी हम आपको बता दें कि आशा भोसले बहुत जल्द एक गाना बनाने जा रही हैं, जिसमें वो एक ऐसे सिंगर को लेना चाहती हैं जो कि नया हो, जिसने अभी तक कहीं भी गाना नहीं गाया हो। और खबरों की माने तो आशा भोसले चाहती हैं कि देबोश्मिता वो आवाज बने, देबोश्मिता उनके लिए गाएं और वो भी उस गाने में उनके साथ गाएंगी, यानी कि आशा भोसले भी उनके साथ गाएंगी। दोस्तों, अपने आप में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है देबोश्मिता के लिए। आपको क्या लगता है, क्या देबोश्मिता को इसके लिए हाँ बोलनी चाहिए या ना? वैसे यहाँ पर हम आपको एक और बड़ी बात बता दें कि देबोश्मिता जब तक इंडियन आइडल के साथ हैं तब तक वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकती। पर हाँ, एक बार उनका इंडियन आइडल खत्म हो गया उसके बाद वो जरूर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेंगी। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।